अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ओपन पोर्स के लिए रेमेडी लाई हूँ। तो ये रेमेडी कैसे बनती है, ये चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं साथ साथ आपको इसके फ़ायदे भी बताती हूँ। गर्मी के मौसम में जो हमारे पोर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पसीना आने की वजह से खुल जाते हैं और स्किन जो है ढीली हो जाती है। तो ये जो हमारी रेमेडी है ये स्किन को इवन टोन कर देगा और एंटी एजिंग है। ठीक है, तो चलें रेमेडी स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास हैं गुलाब के फूलों की पत्तियाँ सूखी हुई और ये मैंने उनको ग्राइंड किया हुआ है घर में। तो ये हम लेंगे एक चम्मच गुलाब के फूलों की पत्तियाँ और ये मेरे पास है हुस्न यूसुफ। ये देखें, ये बहुत प्यारी इसकी स्मेल होती है, बहुत प्यारा और बहुत बारीक। ये आपको बाज़ार से पिसा हुआ भी मिल जाएगा और साबुत मिल जाएगा। ये एक चम्मच ये लेना है हमने, ठीक है। और ये है हमारे पास संदल पाउडर। तो इसको मैंने बहुत कोशिश की है बारीक करने की, लेकिन ये नहीं हुआ। बाज़ार से आप पिसा हुआ लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये आप देखें, ये एक चम्मच हम संदल पाउडर ले लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। ठीक है, रोज़ वाटर डालेंगे एक चम्मच, जितना इसमें ज़रूरत होगी हम इसमें रोज़ वाटर डालेंगे। इसका पेस्ट बना के इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके ये हमने अपने फेस पे लगाना है। उसके बाद इसमें हम विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं, अगर आपका दिल करे तो आप डाल दें और अगर ना करे तो ना डालें, ये ऑप्शनल है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ विटामिन ई भी। जी ये देखिए, ये हमारे पास तैयार हो गया है। ओपन पोर्स जो हमारे हो चुके होते हैं उनको बंद करने के लिए एक फेस पैक। ठीक है, ये हमारा फेस पैक तैयार है। बनाकर फ्रिज में रख लें और ठंडा हो जाएगा और ये आपने डेली लगाना है क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ें हैं, इनका ख़राब होने का कोई भी चांस नहीं है। तो इसमें मैं डालूंगी एक विटामिन ई का कैप्सूल। तो इसको पहले करेंगे कट। ठीक है, चलें जी, ये डल गया हमारा विटामिन ई का कैप्सूल। इसको करेंगे मिक्स, थोड़ी देर इसको पड़ा रहने देंगे फ्रिज में, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम लगाएंगे अपने फेस पे। वहाँ वहाँ आपने ज़रूर लगाना है जहाँ जहाँ आपको अपने आपके पोर्स, आँखों के नीचे, नोज़ के पास आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ठीक है, ये आपने ऐसे लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे इसको उतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा। और आपने अपने फेस पे लगा के इसको बिल्कुल छोड़ देना है और ठंडे पानी से आपने इसके बाद मुंह धोना है। ठंडे पानी से मुंह धोने के बाद आपने कोशिश करनी है कि आप अपने फेस पे रोज़ वाटर स्प्रे कर लें, उससे आपको फ्रेशनेस आएगी स्किन में आपकी, जो है आपके पोर्स। ठंडा वाला रोज़ वाटर लगाना है आपने, ठंडा, इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके लगाना है। तो उससे आपके फेस जो है वो पोर्स और भी ज़्यादा श्रिंक होंगे और वो आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट महसूस होगा। ठीक है, ये अभी मैं अपना हाथ आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो ये देखें कितनी प्यारी स्किन मेरी हो गई है, ग्लोइंग बिल्कुल, बहुत अच्छी। मैंने हाथ को धोकर खुश्क कर लिया है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, मुझे तो खुशबू ही इसकी बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि इसमें हुस्न यूसुफ है, उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आपको आती है। तो ये हमारा फेस पैक आपके लिए तैयार है ओपन पोर्स के लिए। तो इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में जाके कि आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।